आज हम एक टेक्निक बताएंगे जहां पे आप आयरन या लोहे के जो नॉर्मल तवा होता है, डोसा तवा, उसको किस तरीके से नॉन स्टिक बना सकते हैं। नॉन स्टिक बहुत लोग कहते हैं ज्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो अभी हम पहले नॉर्मल चीला बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि अगर आप आयरन के तवे में इस्तेमाल करते हो तो चिपक जाता है। ये हमने इसमें तेल लगा दिया है और इसमें अब हम ये आयरन का तवा है, नॉन स्टिक तवा नहीं है। इसमें अब ये जो चीला डाला है, अब ये देखते हैं कि उतरता है नहीं उतरता। अब इसको उतारेंगे, ये देखिए चिपक गया अच्छे से, और ये देखिए ये नहीं उतर रहा, ये चिपक गया है। और इसमें हमने काफी सारा तेल डाला था फिर भी चिपक गया है। अब हम इसी तवे पे दिखाएंगे नॉन स्टिक कैसे कर सकते हैं। ये सारा खराब हो गया है, इसको ये देखिए ये चिपक गया अच्छे से। अब क्योंकि इस पे नहीं बना है और तो अब हम इसको नॉन स्टिक करके इसी तवे को धोएंगे पहले और नॉन स्टिक करेंगे। इस तवे को सेम तवा है, ये वही लोहे का तवा है, इसको हमने धो लिया है और सारा जो चिपका हुआ था वो उतार दिया है। और अभी ये नॉर्मल टिश्यू पेपर से पानी पहुंच रहे हैं और इसको हमने अब तेज आंच पे थोड़ी देर के लिए गर्म होने दिया है। जब हल्का सा गर्म हो जाए, ऊपर का पानी सारा एवेपोरेट हो जाए, इसको धीरे कर लो। अब धीमी आंच पे पूरे पे ग्रीसिंग कर दो तेल से। और इसको धीमी आंच पे तेल को गर्म होने दो जब तक धुआं नहीं निकलता। उसके बाद आपने प्याज लेना है, देखो ज्यादा प्याज नहीं चाहिए, इतना सा ही प्याज चाहिए, और इसको फोक पे लगा लो और इसको इससे ऐसे, या आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो लेकिन अनियन से थोड़ा सा ग्रीस रहेगा। हम थोड़ा सा टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। अब इस तवे पे हम सेम बैटर डालेंगे। अब देखते हैं ये चिपका है कि नहीं चिपका। इसको थोड़ा सा सिकने दीजिए। ये देखिए सेम तवा, सेम सॉल्यूशन, और बिल्कुल नहीं चिपका इसके अंदर। और हमने तेल भी बहुत ही कम इस्तेमाल किया है और देखिए बिल्कुल नहीं चिपका, आपका परफेक्ट आयरन तवे पे बन गया है। तरीके से आप अपने आयरन तवे के ऊपर डोसा या फिर चीले बना सकते हो और आपको नॉन स्टिक करने की इस्तेमाल की जरूरत नहीं है।